Hello students, welcome to Divine Learning. In our last video, in our previous video, we discussed about solutions and solubility. And today we are going to talk about some types of solutions depending on the size of particles dissolved in it. Kabhi aapne gaur kiya hai? Apne last class mein humne example liya tha sugar solution. सॉल्यूशन तो और भी तरह के हो सकते हैं, कुछ और भी एग्जांपल्स लेकर के ये हम पता करने की कोशिश करें कि उनके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व्ड हैं, क्या सबों में एक ही साइज के सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं या सॉल्यूट बड़े छोटे भी हो सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हम इसी टॉपिक को देखेंगे, साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तीन अलग अलग एग्जाम्पल्स लेंगे और उन तीन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे कि साइज के पार्टिकल्स के साइज के बेसिस पर ये सॉल्यूशंस इनफैक्ट जैसे कि एक्चुअली वो मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, तो ये सॉल्यूशन कितने तरह के हो सकते हैं और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें भी सामने आएंगी। तो हम ऐसा करते हैं, हम आज के इस क्लास को स्टार्ट ही करते हैं तीन अलग अलग एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहला एग्जांपल जो हम लेंगे वो हमने ले लिया सुगर सॉल्यूशन। दिस इज ए सुगर सॉल्यूशन। सुगर सॉल्यूशन यानी कि इसमें सुगर पार्टिकल्स घुले हुए हैं एक बीकर में, एक ग्लास में। आपने थोड़ा सा पानी ले लिया और उसमें शुगर दो चम्मच डाल दिया, यानी कि वाटर एंड शुगर एंड शुगर। दिस इज सैंपल नंबर ए। एक और हम इसी तरह का लेंगे ग्लास, इसमें भी हम एक सॉल्यूशन लेने की कोशिश करेंगे। पानी में एक कप मिल्क मिला देते हैं, दूध मिला देते हैं। दिस इज सैंपल नंबर बी, वाटर प्लस मिल्क। आप सिंपल मिल्क भी ले सकते हैं, वो भी तो एक प्रकार का सॉल्यूशन ही हुआ, एक प्रकार का मिक्सचर ही हुआ। थर्ड सैंपल हम लेते हैं, दिस इज द थर्ड सैंपल, एंड वी एड टू टीस्पूनफुल सॉइल पार्टिकल्स इन इट, वाटर प्लस सॉइल। इसमें हमने मिट्टी मिला दिया है दो चम्मच, मिट्टी नहीं मिले तो चॉक पाउडर भी आप मिला सकते हैं, चॉक पाउडर नहीं मिले तो मिट्टी मिला दिया। चलिए, दिस इज सैंपल नंबर सी। तीनों में कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, देखने में तो तीनों सॉल्यूशन ही लग रहा है। हमें यहां पर गौर किस बात पर करना है, सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन इट, द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स डिजॉल्व इन इट। हमने कह दिया आपको कि भाई देखो इसका सॉल्यूट सबसे छोटा है, इसके सॉल्यूट का साइज अक्सर जो बताया जाता है बच्चों को, भाई देखो इसका सॉल्यूट का साइज सबसे छोटा है, सबसे कम है, इसका साइज उससे थोड़ा बड़ा होता है और इसका साइज उससे भी बड़ा होता है। चलो ये तो याद करने वाली बात होगी, हम खुद ही जरा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला
अगर ये एक्सपेरिमेंट आप नहीं भी कर रहे हैं तो इतना कॉमन सेंस, इतना एक्सपीरियंस तो हमें है कि हम समझ सकते हैं कुछ बातों को। जैसे पहला, होमोजेनिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स थ्रू आउट द सिस्टम। क्या लग रहा है कि सिस्टम नंबर ए में ये पार्टिकल्स पूरी तरह से एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे सिस्टम में? अगर है तो ये होमोजेनस मिक्सचर है, अगर नहीं है तो हेटरोजेनस मिक्सचर है। तो क्या लग रहा है कि ये होमोजेनस है या हेटरोजेनस है? तो ऑब्वियसली जब हम चीनी या नमक पानी में घुलाते हैं उसके सैचुरेशन पॉइंट से नीचे, ऐसा नहीं इतना ज्यादा दे दिए वो घुल ही नहीं रहा, एक चम्मच दो चम्मच हमने डाला इस ग्लास में और वो आसानी से घुल रहा है, तो इट इज होमोजेनस। ये होमोजेनस हुआ, होमोजेनस इसलिए हुआ क्योंकि सुगर के पार्टिकल्स पूरे सॉल्यूशन में, पूरे सिस्टम में इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं कि पहली पर ज्यादा है ऊपर कम है, यानी कि होमोजेनस मिक्सचर है। पहला पॉइंट ये होमोजेनस है। क्या लग रहा है एग्जाम्पल नंबर बी में, क्या लग रहा है आपको? पानी में अगर आपने दूध मिला दिया है एक कप, सपोज एक कप पानी है एक कप दूध है, या सिर्फ दूध ही हमने लिया है, तो क्या लग रहा है वो होमोजेनस है या हेटरोजेनस है? दिखने से तो बिल्कुल ये होमोजेनस ही लग रहा है, पेंदी पर कुछ बैठा तो नहीं है, लेकिन अगर हम इसे गर्म कर देते तो इसका जो फैटी सब्सटेंस, इसका जो फैटी कंपोनेंट है, ये कहां चले आते हैं? ऊपर के सरफेस पर आकर जम जाते हैं। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या इसे होमोजेनस कहा जाएगा? इट लुक्स लाइक होमोजेनस बट इन फैक्ट इट इज हेट्रोजेनस। कोई पूछेगा कि मिल्क क्या है, होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है? इट लुक्स लाइक होमोजेनस बट इट इज हेट्रोजेनस, ये हेट्रोजेनस है, ये होमोजेनस नहीं है, हेट्रोजेनस है। दूसरा एग्जांपल ब्लड भी होता है इसी टाइप का, ब्लड भी तो दिखने में आपको होमोजेनस लग रहा है, इतना सा ब्लड है किसी टेस्ट ट्यूब में और लग रहा है कि वो तो होमोजेनस है, लेकिन जब उसका सेंट्रीफ्यूगेशन कराया जाता है, एक मशीन होता है जिसमें उसे खूब तेजी से घुमाया जाता है कुछ देर तक, तो आप देखेंगे क्या कि उसके जो सेल्स हैं उनके जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं दे सेटल डाउन एट द बॉटम टुवर्ड्स द बॉटम, और उसका जो हल्का सब्सटेंस है, वाटरी सब्सटेंस है, वो ऊपर चले आते हैं, जिसको कि हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो वो भी दिखता कैसा है? होमोजेनस, बट है बेसिकली क्या? हेटरोजेनस, इसी कैटेगरी में आएगा वो ब्लड भी। लेकिन अगर हम मिट्टी में सॉइल पार्टिकल्स को खूब घुमाने की कोशिश करें, खूब घुलाने की कोशिश करें, लेकिन जैसे ही कुछ देर के लिए छोड़ते हैं देयर पार्टिकल्स सेटल डाउन एट द बॉटम, इट मींस देयर पार्टिकल्स आर नॉट evenly distributed throughout the center system, and so it is no doubt heterogeneous. This also clears the size of the particles dissolved in it. इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि size particle का size क्या होगा. Clearly ऐसा लग रहा है यह द पार्टिकल्स, साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मिनिमम, साइज ऑफ पार्टिकल्स यहां पर मिनिमम है। साइज ऑफ पार्टिकल्स ये मिनिमम है, मिनिमम है, तब तो पूरी तरह से भूल गए हैं।
यहां पर अगर साइज ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाए तो लग रहा क्या है अंदाजा, क्या आप लगा सकते हैं होमोजेनिटी के आधार पर, क्या होमोजेनिटी के बेसिस पर क्या अंदाजा लगा रहे हैं? इनका साइज तो सबसे छोटा है, ये दिखते होमोजेनस है बट इनफैक्ट ये हाइड्रोजेनस है, इसका मतलब इनका साइज इससे थोड़ा बड़ा जरूर है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स यहां मिनिमम था और ये लग रहा है कि थोड़ा सा इससे ज्यादा, यानी कि मोर देन दैट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ कंडीशन नंबर ए, ये मोर लग रहा है, इससे ज्यादा लग रहा है। और अगर थर्ड कंडीशन की बात करें हम लोग, थर्ड केस की बात करें, तो यहां तो साइज पार्टिकल्स का इतना बड़ा है कि वो बार बार पेंदी पर बैठ जा रहा है, बड़ा है, भारी है, उसकी डेंसिटी अधिक है, तब तो वो पेंदी पर बैठ जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहां मैक्सिमम है। एक चीज और जो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं सॉल्यूशन में, कि जब हम सुगर सॉल्यूशन या साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं तो इसके अंदर जो पार्टिकल्स घुले हुए हैं वे हमें दिखाई नहीं देते, वी कांट सी द पार्टिकल्स विथ आवर नेकेड आईज बिकॉज देयर साइज इज वेरी वेरी लेस। से यह भी पता चल रहा है हम देख नहीं पा रहे इसके पार्टिकल्स को, शरबत में चीनी घुला हुआ है, सुगर पार्टिकल्स इज नॉट विजिबल टू यू टू अस, इट मीन्स देयर साइज इज वेरी वेरी लेस, नॉट विजिबल, ये भी कह सकते हैं विजिबल नहीं होता। क्या लग रहा है कि मिल्क के पार्टिकल्स विजिबल होते हैं, इनसे बड़ा भले है बट इट इज ऑल्सो नॉट विजिबल टू अस, नॉर्मल आइज से हम इसके पार्टिकल्स को भी नहीं देख सकते हैं, ये भी नहीं देखे जा सकते, नॉट विजिबल। और सॉइल के पार्टिकल्स तो क्लियरली दिखते हैं, कांच का आपने ग्लास लिया है या बीकर लिया है तो इसके अंदर जो सॉइल के पार्टिकल्स डिजॉल्व क्लियरली दिख रहे हैं तो विजिबल है, इनके साइज इतने बड़े हैं ये तो विजिबल है हमारे लिए, ये एक डिफरेंस हो गया। अब एक तीसरा तरीका फिल्ट्रेशन, फिल्टर पेपर होता है उसे हम लोग दो फोल्ड करते हैं और उसका एक बना लेते हैं हम लोग क्या वो फनल टाइप का, और उससे किसी सॉल्यूशन को अगर पास कराया जाए तो ये फिल्टर पेपर की इसकी एक कैपेसिटी होती है, खास लिमिट तक साइज वालों को ये छान लेता है, इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन, फिल्टरिंग सॉल्यूट्स थ्रू फिल्टर पेपर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। आपके लेबोरेटरी में है आप देखेंगे उसे, आपका तरीके यहां है भी इस चैप्टर में पढ़ना, फिल्ट्रेशन एक मेथड है सेपरेटिंग सब्सटेंसेस का, इसके पहले भी के भी क्लासेस में आपने मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस पढ़ा होगा फिल्ट्रेशन के बारे में। तो फिल्ट्रेशन एक पेपर होता है और उस पेपर को दो फोल्ड मोड़ते हैं और उसका एक फनल बनाते हैं, उसे ग्लास में रखते हैं और दूसरे से जब हम उस लिक्विड को डालते हैं तो वो बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को छान लेता है। क्या लग रहा है अगर चीनी का ये सॉल्यूशन है, सुगर सॉल्यूशन है लेमोनेट, तो उसे क्या फिल्ट्रेशन से चीनी को अलग किया जा सकता है? अगर आपने नहीं भी किया है तो इतना हमारा कॉमन सेंस तो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिल्ट्रेशन फिल्टर पेपर में इतना पावर नहीं है कि वो सुगर पार्टिकल्स जो कि काफी छोटे साइज के हैं उसे वो फिल्टर कर ले, यानी कि फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल, फिल्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। इस केस में, दूसरे केस में क्या लग रहा है, दूसरे केस में क्या लग रहा है, दूध है, फिल्टर पेपर से अगर हम दूध को डालेंगे तो क्या लग रहा है कि दूध के सॉल्यूट पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे और बाकी पानी नीचे चला जाएगा, ऐसा होता है? ऐसा होता तो बड़ा विचित्र, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, यानी कि फिल्टर पेपर से हम मिल्क को भी नहीं फिल्टर कर सकते हैं, यानी कि कंडीशन नंबर बी, एग्जाम्पल नंबर बी इस
example number B can also cannot be filtered by a filter paper, by using filter paper. And now it's a case number 3. आप ऐसा करके देख सकते हैं, आप जब भी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होता है आप चेक कर सकते हैं फिल्टर पेपर से कीचड़ वाला मिट्टी उठा के ले आइए या सॉइल पार्टिकल्स डाल दीजिए पानी में और उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए और उसके बाद आप चेक कर सकते हैं वो सॉइल सॉल्यूट पार्टिकल्स को छान लेता है और नीचे पानी को ही गिरने देता है. यानी कि पार्टिकल्स ऑफ कंडीशन नंबर सी कैन बी फिल्टर्ड by using a filter paper by the process of filtration. Yes. क्यों ऐसा हुआ? Because the size of particles in condition number C is maximum. इतना बड़ा है कि filter paper उसे छान सकता है, इन दोनों को छान नहीं सकता है. अब इतना करने के बाद अब थोड़ा सा साइज के बारे में एग्जैक्ट कैलकुलेशन ये भी जान लेना चाहिए कि एग्जैक्ट साइज क्या होता है. ये पार्ट दिख रहा है ना, चलिए क्लियर दिख रहा है. अब साइज की बात करें, साइज कितना होता है. सॉल्यूशन कंडीशन नंबर ए, यहां जो सुगर पार्टिकल्स डिजॉल्व हैं उनका साइज क्या होगा, उस पार्टिकल का साइज क्या होता है आपको पता है? Less than 1 nanometer. 1 nanometer. अब ये 1 nanometer मतलब क्या हो गया? 1 nanometer का मतलब होता है 10^-9 meter. ये पार्ट दिख रहा है या नहीं? चलिए क्लियर दिख रहा है. अब देखिए 10^-9 meter का मतलब क्या हो गया? 1 meter का लेंथ है और उसका कैवा हिस्सा 1/9 लगाना है आपको. 9 जीरो का मतलब क्या होता है? मेरे हिसाब से करोड़ होना चाहिए, नहीं अरब. 5 जीरो देते हैं तो लैक्स हो जाता है, 7 जीरो देंगे तो करोड़ हो जाएगा और 9 जीरो देंगे तो अरब. यानी 1 मीटर इतना लंबा साइज का 1/1 हिस्सा, दैट इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर. और कंडीशन नंबर ए में सुगर पार्टिकल्स घुलने के बाद उनका साइज क्या हो गया है? लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा. एंड दिस इज द रीजन वी कैन नॉट सी इट विथ आवर नेकेड आईज एंड दीज आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सिस्टम एंड सो दिस सॉल्यूशन इज कॉल्ड होमोजेनस. दिस मिक्सचर इज होमोजेनस. नाउ लेट्स सी कंडीशन नंबर बी. What is the size of particles here? ये तो पता है कि more than this होगा, इससे तो ज्यादा ही होगा. तो कहते हैं कि more than 1 nanometer तो है, more than 1 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer, 1 nanometer to 1000 nanometer. इसे इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स हैं इनके साइज से 1000 गुना बड़ा होता है कंडीशन नंबर बी के पार्टिकल का साइज. और कंडीशन नंबर सी में अगर देखा जाए तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज मोर देन 1000 नैनोमीटर, मोर देन 1000. More than 1000 nanometer से भी बड़ा है. 1000 nanometer मतलब समझ रहे हैं ना, 1 meter का 1/9 जीरो, 1000 में 3 जीरो तो घट गया तो बचा कितना, 6 जीरो, उससे भी बड़ा. यानी 1 मीटर का 6 जीरो मतलब 10/1000 हिस्सा और उससे भी बड़ा. और इसीलिए हम इसे देख पाते हैं और इसीलिए ये हेट्रोजेनस है, ये पेंदी पर बैठ जाता है. अब हम तीनों का नाम रख देते हैं. अगर कोई मिक्सचर, कोई सॉल्यूशन इस टाइप का है, अगर कोई मिक्सचर या सॉल्यूशन इस टाइप का है तो
इसका नाम हम लोग रख दें, कहां पर लिखे हैं, यहीं पर लिख देते हैं, चलो यहीं पर लिख दिया जाए, ट्रू सॉल्यूशन। असली सॉल्यूशन तो यही हुआ जिस सॉल्यूशन के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है, असली वो सॉल्यूशन ये है, दिस इज ट्रू सॉल्यूशन। नाउ कंडीशन नंबर बी इज नेम्ड एज कोलोइड, इसका नाम हम लोग रखते हैं कोलोइड, इसे कोलोइडल सॉल्यूशन भी कहते हैं। दिस इज ट्रू सॉल्यूशन एंड दिस इज कोलोइडल सॉल्यूशन। एंड द थर्ड वन इज कॉल्ड सस्पेंशन। सस्पेंशन इसके नाम पर जाइए, इसके नाम को देखिए, सस्पेंशन वर्ड, इट मीन्स द पार्टिकल्स आर सस्पेंडेड थ्रू आउट द सिस्टम, और ये दिख रहे हैं। तो तीन तरह के सॉल्यूशन, तीन तरह के मिक्सचर को हमने यहां पर देखा, ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, और इसी को हम लोग पढ़ते हैं, इसका टाइटल देते हैं सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। अब यहां पर देखिए, सस्पेंशन हमारे लिए कोई नया वर्ड नहीं है, सॉल्यूशन तो बिल्कुल ही नया वर्ड नहीं है, बट कोलोइड आपके लिए थोड़ा सा नया वर्ड लग रहा होगा। तो थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में जानने की कोशिश हम लोग करते हैं कोलोइड के बारे में, लेकिन उसके पहले एक एक्सपेरिमेंट की चर्चा कर लेना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि इन चीजों को अब यहां से साफ कर दें तब वो एक्सपेरिमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। तो थोड़ा सा इसे साफ किया जा रहा है। चलिए अब हम लोग देखते हैं एक एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है, और ये तीनों ही जो एग्जांपल्स लिए गए हैं वो ऐसे नहीं है कि आपके घर में ये सामान नहीं मिलता है, आप घर पर बैठे बैठे ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। कहता है फिर से आ जाइए, हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहां से, फर्स्ट वन वाज सॉल्यूशन, फर्स्ट वन वाज सॉल्यूशन, सेकेंड वन वाज कोलोइड, एंड थर्ड सस्पेंशन। कहता है कि हम ठीक है जैसा हमने लिया था वो एग्जांपल वैसा ही हम फिर से एक ले लेते हैं, शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। अब लिखने की जरूरत नहीं है कि ये शुगर सॉल्यूशन है बार बार, और यहां पर हमने लिया था एक मिल्क है, डाइल्यूटेड है, पानी मिला हुआ है, पानी और दूध है, दिस इज कंडीशन नंबर बी, एंड दिस इज कंडीशन नंबर सी, एंड हियर वी टुक वाटर एंड सॉइल पार्टिकल, सॉइल पार्टिकल्स डिजॉल्व इन वाटर, दिस इज कंडीशन नंबर सी। एक एक्सपेरिमेंट करना है, टॉर्च होता है ना फोकस वाला, आजकल तो आया हुआ है,
बहुत ज्यादा फोकस रहता है। कहता है कि एक साइड से हम टॉर्च को जलाते हैं, है ना, और इसका फोकस ये लाइट जो है, लाइट के बारे में आपने पढ़ा है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, तो ये लाइट क्या है कि आर पार हो जाएगी, ये लाइट आर पार हो जाएगा, ये टॉर्च का लाइट चलिए टॉर्च का लाइट क्या होगा, ये बिल्कुल आर पार हो जाएगा, जैसा इसका फोकस है ये आर पार हो जाएगा और हमें दिखेगा भी नहीं, हमें दिखेगा नहीं, ये सॉल्यूशन से कैसे क्रॉस किया ये हमें दिखेगा नहीं, आप करके देख सकते हैं। सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम कोलोइड के साथ करें, दिस इज द टॉर्च, ये टॉर्च है और इसका जो फोकस निकला और ये फिर क्रॉस करेगा आर पार से, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो क्रॉस कर रहा होता है इसका पाथ, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल, ये तो दिखाई हमें दे रहा है बाहर से, ये पास करते हुए हमें दिखाई दे रहा है, ऐसा सॉल्यूशन में नहीं हुआ था। वी कैन सी द लाइट ट्रेवलिंग थ्रू कोलोइड थ्रू एग्जाम्पल नंबर बी थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ मिल्क, एंड नाउ वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट फॉर अ सस्पेंशन, दिस इज अ टॉर्च, ठीक है, एंड वी विल ट्राई टू सी the path of light traveling through it, can we see, is it also visible in suspension, yes we can also see the path of light traveling through a suspension, kya reason ho sakta hai, yahan se to cross kar gaya, hame dikhai bhi nahi diya, but colloid aur suspension se jab koi light ray cross karta hai तो इट्स विजिबल टू अस। तो एक चीज आप समझिए, कोई भी चीज हमें दिखाई देती है हमारे लिए विजिबल कौन सी चीज है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है और वो फिर रिटर्न होकर के उसकी कोई ना कोई रे वहां से रिटर्न होकर हमारे आंखों तक आती है। एक्चुअली अब रीजन हम समझने की कोशिश करते हैं, द साइज ऑफ द पार्टिकल्स इन केस ऑफ सॉल्यूशन we know is very very less than 1 nanometer, and when light ray travels through this solution, these particles don't disturb it in passing through, ye particle ke size itne chote hain ki ye light rays ko disturb nahi karte hain, light ray ko isse nuksan nahi hota hai, kisi prakar ki badha kisi prakar ka की दिक्कत उसे होती नहीं है, बट इन केस ऑफ बी एंड सी द साइज ऑफ पार्टिकल्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ ए, एंड दे डिस्टर्ब द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट, पासिंग थ्रू द सिस्टम। आप दौड़ रहे हैं, आपके सामने कोई बाधा नहीं है, तो आप स्ट्रेट लाइन में दौड़ेंगे, तेजी से दौड़ जाएंगे, लेकिन अगर आपके सामने कोई पत्थर बड़ा सा चट्टान रखा हुआ है, कोई इंसान है बात कर रहा है दो, तो हम क्या करेंगे, हम डेविएट हो जाएंगे, हम उससे टकरा जाएंगे, टकराने के बाद हमारा रास्ता इधर उधर हो जाएगा। वही होता है, यह सनलाइट की सॉरी यह टॉर्च का लाइट जब क्रॉस करता है केस नंबर बी एंड केस नंबर सी को, तो इनके पार्टिकल्स क्योंकि इतने बड़े हैं वो सनलाइट को डेविएट कर दे, सनलाइट उससे टकरा जाता है, उसका रास्ता इधर उधर हो जाता है, रास्ता जब इधर उधर होगा तो उसमें से कुछ रेज हमारे आंखों तक भी आएगी, एंड सो इट इज विजिबल टू अस, इसलिए ये हमारे लिए दिखाई देती है, हमें दिखाई देता है।
एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, TYNDALL. टिंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने ये बताया था कि ऐसा होता है टिंडल इफेक्ट. तो अगर हम कंपेयर कर रहे हैं सॉल्यूशन कोलोइड और सस्पेंशन में, तो एक पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट यह भी बनता है कि सॉल्यूशन डोंट शो, सॉल्यूशंस डोंट शो टिंडल इफेक्ट, बट कोलोइड्स एंड सस्पेंशन शो टिंडल इफेक्ट. रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू कोलोइड एंड सस्पेंशन गेट्स स्कैटर्ड, बिखर जाते हैं, एंड सो दे आर विजिबल टू अस, एंड वी कैन सी द पाथ ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द कंटेनर द सिस्टम, एंड दिस इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. ये टिंडल इफेक्ट आप कहीं भी देख सकते, बहुत जगह दिखाई देता है. जैसे आपने देखा हो कभी कभी आप घर की खिड़कियों से, यह छोटा सा छेद कहीं होता है, वहां से लाइट जब निकलता है दोपहर के टाइम में या कभी भी, तो वो दिखाई देता है. ऐसे नॉर्मली हमें लाइट में दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन वो दिखाई देता है. क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि वो एक फोकस है, और उसके रास्ते में क्या आ रहा है? डस्ट पार्टिकल्स जो कि भरे हुए हैं हमारे एनवायरमेंट, और वो डस्ट पार्टिकल्स वो जो बीम ऑफ लाइट है उसे स्कैटर कर रहे हैं, और इसीलिए वो हमें उसी में से स्कैटर होकर के कुछ सनलाइट हमारी आंखों तक भी आता है, और इसीलिए हमें वो दिखाई देता है. कैनोपी, कैनोपी आपने सुना होगा वर्ड. आप जब देखे उन्हें जंगल या जंगली माहौल जहां रहे, ढेर सारे पेड़ पौधे रहे, वहां भी कभी कभी लाइट रेज खास करके मॉर्निंग के वक्त इस ढंग से आते हैं, जो कि स्पेशली वो हमें ट्रेवल करते हुए दिखाई देते हैं. क्यों दिखाई देते हैं? या तो वहां पर फॉग है, कुहासा है, या नहीं तो डस्ट पार्टिकल्स है, जिसकी वजह से वो उसका रास्ता डेविएट होता है, स्कैटर होता है वो सनलाइट, और हमें उसका रास्ता दिखाई देगा. This is called Tyndall effect. तो Tyndall effect हम solution में नहीं देखते हैं, colloid of solution में ये दिखाई देता है. This is a major difference. अब जब colloid की बात आई है ना, तो colloid के बारे में थोड़ा सा हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं. colloid के बारे में एक interesting बात, last class में आपने क्या पढ़ा था? एक solution जो होता है, सॉल्यूशन में एक सॉल्वेंट होता है और इसके अंदर घुले हुए सॉल्यूट्स होते हैं, है ना? सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट्स जो ज्यादा होता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं, जो सॉल्यूट्स ऐसे नॉर्मली तो ये लिक्विड में सॉलिड होता है, बट आपको बताया गया था कि ये वेरिएबल टाइप्स के हो सकते हैं. यहां भी तो पार्टिकल्स घुले हुए हैं, एक दूसरे में घुला हुआ है कोलोइड के केस में, लेकिन नाम यहां पर दूसरा रखा जाता है. यहां पर सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं बोलते हैं, यहां सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट की जगह पर दूसरा नाम, इसको कहते हैं सॉल्वेंट के जगह पर, सॉल्वेंट के इक्विवेलेंट यहां पर नाम रखा जाता है डिस्पर्स्ड मीडियम. और सॉल्यूट के इक्विवेलेंट होता है डिस्पर्सिंग फेज. अब यहां पर जो हमने लिया एग्जांपल वाटर एंड मिल्क, तो यहां पर डिस्पर्स्ड मीडियम वाटर है एंड डिस्पर्सिंग फेज मिल्क है, बोथ आर लिक्विड. तो जिस प्रकार से लास्ट क्लास में आपको सॉल्यूशन का टाइप बताया गया था कि सॉल्यूशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, सॉलिड इन सॉलिड, गैस इन गैस, तो वहां पर सॉल्वेंट सॉल्यूट की बात थी ना. यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं सॉल्वेंट को बोलेंगे क्या, सॉल्वेंट की जगह पर डिस्पर्स्ड मीडियम, और डिस्पर्सिंग फेज सॉल्वेंट के सॉल्यूट के ऊपर बोलेंगे. और आपके बुक में इसके भी कई एक वेरिएंट्स का एग्जांपल दिया हुआ है.
कई एक तरह के ये कॉलोइड्स हो सकते हैं, लिक्विड में लिक्विड घुला हुआ है, लिक्विड में सॉलिड घुला हुआ है, लिक्विड में गैस घुला हुआ है, या फिर गैस में लिक्विड है। फॉग देखे ना, फॉग कुहासा जाड़े के समय में होता है, वो क्या है एक्चुअली, गैस में, गैस पर वाटर पार्टिकल्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बैठ गए हैं, वो एक प्रकार का कोलोइड है, और वहां पर डिस्पर्स मीडियम गैस है और डिस्पर्सिंग फेस वाटर है। इट मीन्स वो क्या है, एक कोलोइड है, जिसमें कि वो कोलोइड कैसा है, लिक्विड इन गैस कोलोइड है। तो आपके टेक्स्ट बुक में एनसीईआरटी में उसका एक कंप्लीट चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट को आप, उसमें जितने भी एग्जांपल्स हैं सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जांपल्स को आपको देखना है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, आज का हमारा क्लास करीब करीब यहां पर फिनिश होता है। हमने देखा सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन, तीनों के बीच कंपैरिजन, आपको इसका नोट्स तैयार करना है अच्छे तरीके से, और खास चर्चा करनी है टिंडल इफेक्ट और साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स, इन दो चीजों की खास तौर पर चर्चा करनी है। बाकी चीजें तो आप जान रहे, आप इतना समझ रहे होंगे, लेकिन दो चीजों की चर्चा है, साइज ऑफ पार्टिकल्स लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर एंड मोर देन 1000 नैनोमीटर, ये साइकिल। दूसरा टिंडल इफेक्ट, दिस डजंट शो टिंडल इफेक्ट एंड दीज टू टाइप्स शो टिंडल इफेक्ट, क्यों करते हैं ये सब बताया गया। तो आज का ये वीडियो, आज का ये क्लास यहीं पर फिनिश होता है। आगे के क्लासेस में हम लोग अब सेकेंड फेज में जाएंगे इस चैप्टर में, जिसमें आपको पढ़ना है सेपरेटिंग मटेरियल्स, हाउ टू सेपरेट मिक्सचर्स। मिक्सचर्स ठीक है, मिक्सचर के बारे में तो हमने पढ़ा, फर्स्ट टॉपिक में ही हमने पढ़ लिया था, फर्स्ट वीडियो में ही हमने पढ़ लिया था, मिक्सचर्स कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, बट व्हाट आर दोस फिजिकल मेथड्स, कौन कौन से फिजिकल मेथड हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि कैसा मिक्सचर है। तो हम आगे के करीब करीब दो क्लासेस में ये पढ़ने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि तरह तरह के मिक्सचर्स हैं और उनको किन किन तरीकों से उनके कंस्टिट्यूएंट्स को सेपरेट किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। थैंक यू।